हेलो यूट्यूब, और आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला है इस विंडशील्ड पे। तो कैसे इसको हम लोग ने लगाया, क्या क्या झोलझपट किए इसके लिए, सब मैं इसमें भी शेयर करने वाला हूँ। इतना कोई महंगा सेटअप नहीं है ये। इसका मुझे टोटल कॉस्ट आई गेस 800 रुपीज़ पड़ा, इंक्लूडिंग कस्टम ब्रैकेट जो भी हमने बनवा के लिया, सब बना के कंप्लीट कॉस्ट 800-850 के आसपास। सो यप, दैट्स इट। और विंड प्रोटेक्शन कितना दे रहा है ये मैं बोल सकता हूँ, 70-80 तक मुझे विंड ब्लास्ट का इश्यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा हायर स्पीड्स पे जाने पे वो बफेटिंग जैसा फील आने लग रहा है इसमें। लोड कम ऑन डॉगी, लगता है यार यहीं पे कहीं पे बनाना पड़ जाएगा, अपने को आज जगह नहीं मिलने वाली यहाँ पे। ओह, यहाँ पे भी एक बन गया, नाइस। इम्पोर्टेंट था ये वाला स्पीड ब्रेकर। नाइस, सी टर्निंग रेडियस इज गुड, नॉट एट ऑल बैड। यहाँ पे ही बनाते हैं, ये वाला सही लग रहा है। बीप बीप बीप। ऑलराइट, सो हियर दिस इज, ये है बर्गमैन का विंडशील्ड। ये जो इसके जो ये रॉड्स दिख रहे हैं, ये हम लोगों ने मेटल के स्ट्रैप्स यूज़ किए हैं। ये आपको किसी भी लोकल वेंडर के पास मिल जाएगा, लोकल जो अपना हार्डवेयर शॉप होता है। आई होप इससे थोड़ा विजिबल हो जाएगा। ये यहाँ पे अंदर रबर यूज़ किया है, यहाँ पे बीच में ब्लैक रबर है, देन वॉशर, देन ये वॉशर वाले नट्स इस पर टाइट है। सो ये जो फोक का जो ब्रैकेट है, इसके बीच में एक नट लगा हुआ है यहाँ पे, उस नट के बीच में यहाँ पे हम लोगों ने इसको लगाया है। थोड़े स्क्रैचेस आ गए थे हम लोगों ने, क्योंकि प्लास्टिक पहले ही निकाल दिया था। पहले हम लोगों ने सिर्फ ये दो इस पे ही लगाए थे, बट बाद में मालूम पड़ा कि उतना मजबूत नहीं होगा। सो हम लोगों ने फिर जो ऊपर के दो और ब्रैकेट्स थे उनको भी यूज़ किया फिर, और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसकी। ये बर्गमैन के स्टॉक नट्स हैं जो बर्गमैन के विंडशील्ड के साथ आते हैं। तो ये जो हैं ये बर्गमैन के स्टॉक नट्स हैं, और काफ़ी महंगे हैं ये नट्स, 40 रुपीज़ का एक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कस्टम नट्स यूज़ किए हुए हैं विद बिग वॉशर्स। का जो नंबर प्लेट का जो ब्रैकेट है यहाँ पे, ये ब्रैकेट होंडा स्कूटर का ये नंबर प्लेट होल्डर है, उसको थोड़ा बैंड वगैरह करके यहाँ पे अपन लगा सकते हैं, आराम से लग जाता है इसमें। मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ बाद में, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। थोड़ा टिल्टेड है ऐसे, लेकिन चलता है अपने को। अब पूरा खोल कर वापस परफेक्टली करने को मुझे बोर हो रहा है। ये आप देख सकते हो, ये एल ब्रैकेट्स बनाना बहुत हार्ड काम है यहाँ पे, इन दोनों साइड में सारा खेल जो है इसका ही है। जिसने परफेक्ट एल बना लिए उसका एकदम स्ट्रेट रहेगा ये पूरा पार्ट। बाकी ये हर तरफ से ऐसा दिखता है व्यू इसका। काम भी करता है काफ़ी अच्छा है, 70-80 तक तो मुझे नहीं फील होता कुछ, बट मेरा हेलमेट भी वैसा है कि उस पर विंड नॉइज जल्दी फील नहीं होगा। वॉशर का काउंट वगैरह मैं सब लिख दूंगा कि कितना लगेगा क्या लगेगा। और हम लोगों ने यही किया कि यहाँ पे एक वॉशर, इसके पीछे एक वॉशर, ये वॉशर वाला नट, अंदर रबर भी लगे हुए हैं, रबर ग्रॉमेट सही है, ढेर सारे रबर ग्रॉमेट्स हैं यहाँ पे, दो नीचे दो सामने दो दो, ऐसे आठ है टोटल। सो यही था वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। क्विक एंड शॉर्ट था, इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं था इसमें। बर्गमैन का वाइज़र, बर्गमैन के नट्स सिर्फ दो ही लेना, अगर पॉसिबल हो तो चार मत लेना, क्योंकि नीचे दो लगेंगे ऊपर दो नहीं लगेंगे, वो आपको कस्टम अलग से ख़रीदना पड़ेगा। लंबा नट लेना उसके लिए, और ढेर सारे रबर ग्रॉमेट्स ले लेना ताकि थोड़ा आप डैम्पिंग कर पाओ, वाइब्रेशन अगर होंगे तो काम आएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो, ज़ीरो वाइब्रेशन फ्रॉम द विंडशील्ड, नथिंग, एकदम परफेक्टली वो जुड़ा हुआ है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई और क्वेश्चन है बिंदास पूछ सकते हो, अपने पास टाइम ही टाइम रहता है सब रिप्लाई देने के लिए लोगों को। और कुछ लोगों को नहीं पसंद आया विंडशील्ड, सॉरी भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए अभी, मैंने तो मेरे पैसे लगाए हैं, मैं उसको यूज़ करके लूँगा। फॉर मी फंक्शनैलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉर्म एंड देन लुक्स, कैसे दिखती है भाई को मेरा बाद में आता है भाई, पहले अपना काम होना चाहिए। और कोई बेटर ऑप्शन है भी नहीं फिलहाल इस प्राइस में, तो क्या कर सकते बताओ। हाँ, कोई और
प्राइस तो छोड़ो, कोई और ऑप्शन ही नहीं है फिलहाल के लिए विंडशील्ड जिक्सर 250 का। अगर कोई और ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा भाई, क्यों नहीं करूँगा। यही था वीडियो में आज के लिए। आई होप सबकी तबीयत वगैरह ठीक होगी यार। टेक केयर गाइज। थोड़ा ओमिक्रॉन का नाटक ज़्यादा हो रहा है अभी। नेक्स्ट वीडियो किस मोड पे बनाने वाले हैं सवाल ये है। सो मैं सोच रहा हूँ इसका जो डबल स्टैंड मैंने जो लगाया उस पर भी एक बना देता हूँ वीडियो। कौन कौन से पार्ट्स कौन सी गाड़ी के लेने हैं और कौन कौन से रबर माउंट्स हैं जो लगेंगे नहीं लगेंगे, उसका पेमेंट मत करना एक्स्ट्रा, वो मत लेना। बना देंगे उसके ऊपर भी एक वीडियो प्यारी सी, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, धीरे धीरे महीना भर होने आ गया मुझे। परफेक्टली काम कर रहा है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई है। चेसी पे भी कहीं भी छू नहीं रहा, स्विंग आर्म पे भी नहीं छू रहा है। सो उस पर मैं आराम से एक बना सकता हूँ अभी वीडियो टेस्ट करने के बाद। और मेन बात, वो भी 850 में काम हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरे ब्रांड्स जैसे डोमिनार 250 का आता है 3000 का, 2500-3000 का आता है, उतना पैसा नहीं लगेगा। 850-850 में अपना काम हो जाता है जिक्सर का। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू बोथ द जिक्सर 250 एंड 250SF। बिंदास लगाओ। शोरूम वाले बोलेंगे कि नहीं लगता है, बट वो उनको मत सुनो, बिंदास लगाओ।